दैट हम लोग गुरुद्वारा बंगला साहब आए, क्योंकि मैंने ट्रेन का स्केड्यूल इस तरीके से किया कि आगे की जर्नी से पहले थोड़ी देर हम दिल्ली के दर्शन ज़रूर करें, और दिल्ली के दर्शन और इतनी सुबह गुरुद्वारा बंगला साहब ना आना तो फिर आप यहाँ की वाइब्स खुद ही देख सकते हो यार। कोई भी एक रिलीजन का इंसान ही नहीं, हर रिलीजन के यहाँ पर लोग आते हैं, और सुबह सुबह एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, आप खुद ही आके एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो लो मज़े वीडियो के, और यार इस ट्रिप के इस जर्नी के बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, मे बी रकाबगंज साहिब अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि 8:15 पर मेरी नेक्स्ट ट्रेन है। सो अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर कीर्तन सुनते हैं और इंजॉय करते हैं कीर्तन को। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश इन्वायरमेंट है। इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करके बता सकता हूँ, आई मीन मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बता सकता हूँ। अगर ओरिजिनल एक्सपीरियंस चाहिए तो दिल्ली आओ, तो कभी सुबह सुबह गुरुद्वारा बंगला साहब ज़रूर आना। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला हुआ करता था, जो कि एक हिंदू राजपूत रूलर थे, राजा जय सिंह उनका था। आज की डेट पर वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसको कहा जाता है गुरुद्वारा बंगला साहिब। और इस गुरुद्वारे को इसी मेमोरी में बनाया गया है कि उसी बंगले पर सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी, जो कि सिखों के सबसे यंग गुरु भी कहे जाते हैं, वो वहाँ पर रुके थे। मैं उनके बारे में और ज़्यादा हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु हरकृष्ण साहिब जी जब गुरु बने थे तब उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। क्या रीजन से इतनी जल्दी डेथ होने के, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये बात है 17वीं सदी की, जब एक बहुत भयानक बीमारी स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा एपिडेमिक बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने मदद की, जो कि एक एड तैयार करके, और एक फ्रेश वाटर फ्रॉम एक कुआं था वही बंगले से, एक कुएं से पानी इकट्ठा करके उन्होंने एक दवाई तरीके की तैयार की, उस एड को तैयार किया ताकि वो लोगों की सहायता कर सकें। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जब ये इतने भलाई के काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और इसी सेवा भावना के साथ, इसी सेवा को करते करते एक दिन उनको भी ये बीमारी ने पकड़ा और वो भी बीमार पड़ गए, और यही रीज़न था कि वो 7 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। जो वो एक छोटा सा कुआं था, उसको राजा जय सिंह ने एक स्मॉल टैंक के रूप में और धीरे धीरे एक सरोवर के रूप में आप लोगों के सामने, आज भी वो पानी, आज भी वो वाटर आप लोगों के सामने मौजूद है। और यहाँ पर दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पर वो पानी को लेके जाते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं, श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। मतलब कि गुरु हर कृष्ण साहिब जी को याद करो और अपने सारे दुख दूर कर पाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि सच में एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। और उन्हीं इतने अच्छी चीज़ों को लेके आज जो इस जगह पर जो एनवायरनमेंट है वो आज भी मौजूद है, आज भी वो चीज़ें आप यहाँ पर आओगे तो फील कर सकोगे। आज भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो गुरुद्वारा के अंदर दी जाती हैं, इवन बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाता है, और लंगर हॉल है जहाँ पर लाखों लोगों को लंगर खिलाया जाता है। आप लोगों को मेडिकल की सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी, बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर या तो फ्री होते हैं या तो बहुत कम रेट में होते हैं। तो ये सारी सेवाएं, ये सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, और ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।